नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है काले चने की रसेदार सब्जी, जिसके लिए मैंने 500 ग्राम काले चने रात भर भिगो के रखे थे और इसे मैंने लगभग 3 से 4 सीटी लगाई। उसके बाद 5 मिनट कमाचे पका लिया और ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए। आप देख सकते हो कितने अच्छे से पक चुके हैं, ये बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। और मैंने इसको पकाते समय थोड़ा सा नमक भी डाला है, जिसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और 3 से 4 मैंने पके टमाटर अच्छे जिसे बारीक काट लिया है, 2 बड़े प्याज बारीक काट लिए है, तड़के के लिए रिफाइंड ऑयल है, और मैंने 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 4 से 5 लहसुन की कलियां क्रश कर ली, हल्का सा कूट लिया, जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तड़के के लिए जीरा और राई है और स्वाद अनुसार हम मिर्च पाउडर डालेंगे, लगभग 1 से 2 छोटा चम्मच। हल्दी पाउडर लिया है मैंने 2 छोटा चम्मच और 1 छोटा चम्मच मैंने हींग लिया हुआ है। लगभग 2 से 3 छोटा चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगी और 2 से 3 छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया हुआ है, स्वाद अनुसार नमक, और मैं इसमें काला नमक भी डाल रही हूँ, जिससे चने का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो शुरू करते हैं हम तड़का लगाना। तो मैंने कढ़ाई रख दी है और अब मैं इसमें तेल डाल दूंगी। लगभग 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया, तेल गर्म होने देते हैं। तेल गरम हो चुका है, मैं इसमें जीरा और राई डालूंगी। ये देखिए जीरा, राई भी डाल दूंगी, अच्छे से क्रैकल हो रहा है। जीरा अच्छे से भून गया है, मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। लगातार चलाते हुए प्याज को भून लूंगी, 2 से 3 मिनट भून लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें क्रश किया हुआ लहसुन और अदरक डालूंगी। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, देखिए प्याज हल्का सा भून गया है और अब मैं इसमें लहसुन और अदरक जो मैंने क्रश करके रखा हुआ वो डाल दूंगी। और इसमें अब मैं ये धनिया पाउडर भी डाल दूंगी और दोनों को साथ में अच्छे से मिक्स कर लूंगी और लगभग 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लूंगी। दोनों साथ में अच्छे से भून जाएगा। देखिए प्याज अच्छे से भून गया है, बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब मैं इसमें मसाले डाल दूंगी। मैं हींग डाल दे रही हूँ अभी और थोड़ा सा सफ़ेद नमक और लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, और हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसमें अब मैं टमाटर डाल दूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद मैं ढक करके पकने दूँगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। देखिए मिक्स कर लिया, मैं इसे ढक देती हूँ। चार से पाँच मिनट हो चुके हैं, मैं देख लेती हूँ। देखिए टमाटर थोड़े से पके हैं, थोड़े से गलने बाकी हैं, तो अभी मैं इसमें ये चने डाल दे रही हूँ ताकि मसाले के साथ चना भी अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़े से जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से गल जाए साथ में भूनते हुए। देखिए, और मैं अभी इसमें गरम मसाला भी डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो, उसका स्वाद आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो इसे अवॉइड कर दें। और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इसमें मैं पानी गर्म करके डाल रही हूँ क्योंकि सभी कुछ अच्छे से गर्म है, चने भी गर्म है। अभी ठंडा पानी डालूंगी तो और टाइम लगेगा, तो मैं पानी गरम कर लेती हूँ। जब तक मसाले के साथ चने अच्छे से पकने देती हूँ ताकि टेस्ट अच्छे से आ जाए। देखिए मिक्स कर लिया मैंने। और आँच मीडियम ही रखूँगी और इसे ढक कर के पकने देती हूँ। धीमी आँच पे मैंने 5 से 6 मिनट चने को अच्छे से पका लिया है, टमाटर भी अच्छे से गल गए। ये देखिए बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है।
ये देखो मसाले के साथ पकाने से चने में टेस्ट अच्छा आ जाता है मसाले का। तो हमें ग्रेवी वाले बनाने हैं, तो मैं थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए इसे हल्का सा मैश कर रही हूँ। देखिए ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहे चने को थोड़ा सा मैश कर देंगे तो इसका जो रसा है ग्रेवी है गाढ़ी सी हो जाएगी, बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये देखिए देखिए बस इतना काफ़ी है। और मैं इसमें गरम पानी डाल रही हूँ, तो मैंने पानी गरम कर लिया है, आप ज़रूरत के अनुसार डाल सकते हो। और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और फुल लास्ट में इसे उबाल लेती हूँ पानी डालने के बाद, थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। फुल आँच करके उबाल लेती हूँ, बस 2 से 3 मिनट उबाल लेती हूँ, फिर हमारे चने रसेदार चने खाने के लिए तैयार है। और मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। गर्मा गर्म रसेदार काले चने तैयार है खाने के लिए, जिसे आप रोटी चावल के साथ तो खा ही सकते हो। और मैंने एक चाट की प्लेट तैयार करी, जिसे आप सुबह भी खा सकते हो, शाम की चाय के साथ भी खा सकते हो, जिसमें मैंने नमकीन सेव डाली है और बारीक काट के प्याज भी डाले, ऊपर से आप पुदीना डालिए, बारीक कटी हरी मिर्च टमाटर के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी मेरी इस काले चने की रसेदार सब्जी की रेसिपी को जरूर ट्राई करिए, और कमेंट करके बताना ना भूलें कि रसेदार काले चने आपको कैसे लगे। और मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।